So friends, welcome back to my YouTube channel. Today the makeup inspired by Kylie Jenner. So if you are visiting my channel for the first time, please subscribe my channel and don't forget hit the bell icon. So let's begin the video. सबसे पहले मैंने अपनी आइज़ को जो है वो स्टिक से कैमोफ्लेज कर रही हूँ थोड़ा सा लाइट से. उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो टैप करके ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंड करने के बाद मैंने जो है वो कंसीलर लिया है, थोड़ा सा कंसीलर में फाउंडेशन मिक्स किया है. उसके बाद मैं अपनी आई की जो ये क्रीज है अपनी पोमेड को नीट कर रही हूँ. नीट करने के बाद मैंने अपनी आई शेडो पैलेट ली है जैकलिन मर्फी हिल की. इसमें से ब्राउन एंड ये जो मैट पीच कलर है ये वाला मैं कलर लूँगी और ब्लैक के साथ आज हम थोड़ा डिफरेंट लुक करेंगे. सो सबसे पहले मैंने अपने इनर कॉर्नर से जो मेरी क्रीज की आई की जो लाइन होती है वहाँ पे मैंने ब्लैक शेड अप्लाई किया. उसके बाद मैंने अपनी आईज पर ऑलरेडी टेप जो है वो अप्लाई किया हुआ था. देन मैं जो है अपनी लाइनर जो है आउटर कॉर्नर पर ब्लैक आई शेडो लगा रही हूँ. उसके बाद मैंने वही वाला ब्लैक शेड जो है वो ऊपर से थोड़ा सा आई शेडो की क्रीज पर लगा दी. उसके बाद मैंने इसको लाइट ब्राउन शेड से ब्लैक के साथ मैं ब्लेंड कर रही हूँ. ब्लेंड करने के लिए मैंने स्मॉल वाला जो है वो ब्रश लिया है, बड़ा वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो नहीं लिया. उसके बाद मैंने यही ब्राउन वाला शेड जो है मैंने इस आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड कर दिया है ब्लैक के साथ. थोड़ी मैं आइस को अपने स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि जो है अच्छे से ब्लेंड हो जाए. इस तरह से आपको जो है कैट आई बनानी है, जो कैट आई का लुक होता है ब्लैक के साथ मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है. जब दोनों शेड इस तरह से ब्लेंड हो जाएंगे तो ये देखिए इस तरह से. टेप आपको हटाना नहीं है, टेप आज हमने लगाया ताकि थोड़ा सा जो इजी हो जाए मेकअप करना. वैसे तो मैं मोस्टली पार्टी और ग्लिटर्स वाले मेकअप करती हूँ, तो सोचा आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया जाए. ब्लैक के साथ इस तरह ब्लेंड करने के बाद मैंने इसमें से पीच वाला जो कलर था मैट फॉर्म में जिससे हम अपनी आई शेडो की क्रीज को ब्लेंड करते हैं वो कलर मैंने लेके अपनी फिंगर से अपनी आईबॉल पे टैप कर दिया. उसके बाद ब्लैक और जो पीच कलर ब्राउन कलर था इन तीनों को मैं ब्लेंडिंग ब्रश से जो है वो क्या कहते हैं ब्लेंड कर रही हूँ. ये देखें इस तरह से ये ब्लेंड हो गया. सबसे मज़े की बात ये है कि मेकअप बहुत लाइट है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था. देखने में तो बहुत ईजी लगता है लेकिन जब मेकअप करो तो आपको पता लगता है किस तरह से ब्लेंड किया. उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लिया है. ब्लैक शेड मैं अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ. ब्लैक शेड जो है अप्लाई करने के बाद मैं डार्क ब्राउन वाला शेड लूँगी. उससे मैं अपनी जो ब्लैक शेड था उसके साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है. इस तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं टेप को जो है वो रिमूव कर दूँगी. उसके बाद मैं अपना फाउंडेशन अप्लाई करूँगी. ये मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन है. सो फुल कवरेज है. इस तरह से वन ड्रॉप जो है वो इस तरह से लगाना है अपनी फिंगर से. उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से जो है वो अपनी फाउंडेशन को टैप करके बेस को मेक कर दिया है. देन मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ. कंसीलर मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं कोई भी कंसीलर वैसे अप्लाई कर लेती हूँ. उसके बाद मैंने फेस पाउडर से टैप कर दिया. देन मैं अपनी अंडर आई काजल अप्लाई करूँगी. काजल अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी आईज़ के ऊपर जो है वो आई लैशेज़ पर मस्कारा जो है वो अप्लाई किया है. सो ये मस्कारा बहुत अच्छा वाला है. इससे आई लैशेज़ जो हैं वो थोड़ी लॉन्ग नज़र आती हैं जो मेरी नेचुरल लैशेज़ हैं. इस तरह से मैंने जो है आज जो है एक मज़े की बात है कि मैंने अपनी आईज़ के ऊपर जो है वो लैशेज़ नहीं लगाई हैं. उसके बाद ये मैं ब्रॉन्ज़र अप्लाई कर रही हूँ. ब्रॉन्ज़र वाला शेड लूँगी. शेड लेने के बाद उसको अपनी चीक्स पर अप्लाई करूँगी. चीक्स पर अप्लाई करने के बाद मैं अपने लिप्स पे जो है वो ब्राउन शेड अप्लाई करूँगी जो पीच कलर के साथ है. उसको मैंने ब्लेंड करके मेकअप कर दिया है. सो मेरा मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो बताइएगा ये आपको मेकअप जो है मेरा कैसा लगा. और ये बहुत ही नेचुरल लुक है. सो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरे काइंडली मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें. थैंक यू.